जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमो सूर्यदेव। एक बार हाथ की पांचों उंगुलियों में अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई। अंगूठा कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तर्जनी कहती है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बीच की उंगली कहती है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, चौथी उंगली कहती है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा कहती है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। पांचों की पांचों अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए तुल गए। हाथ ने पांचों की बातें सुनी और कहा झगड़ते क्यों हो, तुम सब श्रेष्ठ हो, तुम सब श्रेष्ठ हो, पर अपनी ये धारणा हटा दो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ध्यान रखना, तुम पांचों की श्रेष्ठता भी तभी तक है जब मुझसे जुड़े हुए हो। मुझसे पृथक होते ही तुम्हारा वजूद समाप्त होगा। और हर उंगली की शोभा तभी है जब उसके आजू बाजू की उंगलियां हैं। अगर एक उंगली भी इधर से उधर हो जाए तो बाजू की उंगली की भी शोभा खत्म हो जाती है, उपयोगिता भी कम हो जाती है। इस बात को समझो और परस्पर सहकार और सौहार्द से जीना सीखो, अपने आप की श्रेष्ठता को ख्यापित करने में शक्ति मत लगाओ। आज के संदर्भ में ये बात बड़ी उपयोगी है। हर व्यक्ति अपनी महत्ता को प्रकट करना चाहता है। संत कहते हैं महत्ता चाहने से कुछ नहीं होता है, महत्ता तो अंदर से उद्घाटित की जाती है। आज बात मां की है और हर व्यक्ति के भीतर एक महत्वाकांक्षा होती है। किस बात की? मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये महत्वाकांक्षा मनुष्य की एक अच्छाई भी है तो मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता भी। अगर मनुष्य के मन में कोई अच्छा सपना जगता है और मुझे सर्वश्रेष्ठ करना ऐसी भावना उसके हृदय में जगती है तो ये महत्वाकांक्षा उसकी उन्नति का आधार बनती है। व्यक्ति को एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन कब? अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेने के लिए। मैं श्रेष्ठ हूं या मुझे अच्छा करना है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मैं अच्छा हूं और मैं ही अच्छा हूं, ये सोच मनुष्य को अहंकारी बनाती है जो उसका पतन करा देती है। और मुझे अच्छे से अच्छा करना है, ये सोच मनुष्य को उद्यमी बनाती है और ऊंचाई तक पहुंचाती है। अपने मन को टटोल करके देखो, तुम्हारे मन में क्या स्थितियां आती है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। अपने से बड़े को देखकर, अपने से ऊंचे को देखकर
एक प्रतिक्रिया तो ये होती है कि ये जैसे आगे बढ़ा मैं भी बढ़ूं, और एक प्रतिक्रिया आती है कि वो आगे कैसे बढ़ गया, मुझे आगे बढ़ना है, उसे पीछे करना है। दोनों प्रतिक्रियाओं में मौलिक अंतर है। पहली प्रतिक्रिया सकारात्मक है, किसी को अपने से आगे देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मनुष्य की प्रगति का आधार बनती है, और किसी को आगे बढ़ता देखकर मन में जलन कुलन का भाव होना मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। अपनी मानसिकता को टटोल करके देखो कि मेरे अंदर क्या होता है। संसार में जो अहंकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे अपने से आगे बढ़े देख के लोगों को जलते हैं, और जिनके जीवन में विनम्रता का भाव होता है वो अपने से आगे बढ़ते हुए लोगों को देखकर उससे प्रेरणा पाते हैं। आज बात मां की है और चार बातें आप सबसे करूँगा महत्वाकांक्षा के संबंध में। महत्व की आकांक्षा मन में आना अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ और कितने अर्थ में अच्छी है और कहाँ बुरी है इसे ध्यान रखना है। चार शब्द हैं, महत्ता चाहना, महत्ता पाना, महत्ता देना और महान बनना। महत्ता चाहना, महत्ता पाना, महत्ता देना और महान बनना। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो महत्ता नहीं चाहता। चाहता है ना, हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे इम्पोर्टेंस मिले। बड़ों की बात तो जाने दीजिए, एक छोटे बच्चे के मन में भी ये बात होती है। अगर घर में दो बच्चे हैं, आपने एक से थोड़ा ज़्यादा बात कर ली, दूसरे को थोड़ा कम समय दिया, एक को थोड़ा आपने ज़्यादा महत्व दिया, दूसरे को थोड़ा कम महत्व दिया, तो उसका मुंह उतर जाता है, पापा आप तो हमारे साथ पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, ये ठीक नहीं है, उसको ज़्यादा हमको कम क्यों, सब कोई उसको कोई नहीं बोलता, मेरे को ही क्यों बोलते, ये बातें आती हैं। ये कमजोरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा स्थान ऊंचा हो। संत कहते हैं किसी के चाहने से किसी को महत्ता नहीं मिलती। मैं कितना भी चाहूं कि दुनिया मुझे सर्वश्रेष्ठ माने, मेरे चाहने से कोई मुझे सर्वश्रेष्ठ मानेगा क्या? कहने को तो सब अपने आप को 30 मार्क हाँ समझता है, पर है क्या? नहीं ना। चाहने से महत्ता नहीं मिलती, पर मनुष्य के मन की दुर्बलता है कि वो महत्ता चाहता अधिक है। संत कहते हैं चाहने से महत्ता नहीं मिलती, हाँ उस व्यक्ति को अपने आप महत्ता की प्राप्ति हो जाती है जिसके जीवन में अच्छाइयाँ होती है, जिसके जीवन में गुण होता है। सदगुण हो, अच्छाइयाँ हो, तो तुम्हें अपने आप महत्व मिलेगा। तुम्हारा जीवन व्यवहार वैसा होगा तो तुम्हें महत्व मिलेगा, और तुम्हारा जीवन व्यवहार रुखा होगा, तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में दोष और दुर्बलताएँ होगी, तो कोई तुम्हें महत्व नहीं देगा, बल्कि आ भी जाओगे तो सब तुमसे किनारा काटेगा, तुम अप्रासंगिक महसूस करोगे, तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने वजूद को मजबूत बनाता है लोग उसे ही महत्व देते हैं, और जिसका वजूद कमज़ोर होता है उसे कहीं कोई महत्व नहीं मिलता। अपने मन को टटोल करके देखो, तुम चाहते हो कि बस मेरे से अच्छा कोई नहीं हो, मैं ही हूँ। ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। महत्ता पाने की चाह मत रखो, महान बनने का उद्यम करो। चाहने से कुछ नहीं मिलता। सब लोग चाहते हैं कि सब मुझे सिर पर बिठाए, है ना, सब मुझे सिर पर बिठाए। संत कहते हैं कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो, कभी किसी के सिर पर बैठने की कोशिश मत करो। ऐसा आचरण और व्यवहार करो कि दुनिया तुम्हें सिर पर बैठाने के लिए बेताब हो उठे। तुम सिर पर बैठने की कोशिश करोगे तो हो सकता है सिर पर बिठाने की जगह लोग तुम्हें पांवों तले कुचल दे, लेकिन तुम्हारा आचरण वैसा हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में वैसी गहराई हो, तो तुम नहीं भी चाहोगे तो दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाएगी। और मैं तो यही मानता हूँ,
जिसने अपनी जड़ को गहरी बनाया है, दुनिया ने उसे हमेशा सिर पर बिठाया है। जिसने अपनी जड़ को गहरी बनाया है, दुनिया ने हमेशा उसे सिर पर बिठाया है। जड़ गहरी बनाओ, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। महत्ता चाहने की बात मन में मत रखो। हाँ, महत्ता की चाहत नहीं है, पर मैंने महत्ता पाया, अब क्या करूं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बड़ी महत्ता होती है, उनके लिए प्रभुता मिलती है, उनको हर जगह महत्व मिलता है, उनके पास ऊंचा ओहदा होता है, ऊंचा पद होता है, और उनके वैसे ही रसूख और रुतबे होते हैं। बड़ा हर आम आदमी की जगह वो बड़ा रसूखदार आदमी होता है, उसको बड़ा महत्व मिलता है। मिलता है महत्ता तुमने पाई, तुम्हारे अपने विचारों के कारण, तुम्हारे अपने व्यवहार के कारण और तुम्हारे पुराने पुण्य की वजह से तुम्हें महत्ता मिल गई। ये ज़्यादा दुर्लभ नहीं है। जो महत्ता चाहते हैं उसे महत्ता मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको महत्ता मिलती है, पर महत्ता पाने वाले लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो महत्ता को पाकर के बौराते हैं, और एक वे हैं जो महत्व को पाकर के भी विनम्र बने रहते हैं। तुम अपनी स्थिति का आकलन करो। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ उपलब्धि हुई और तुमने महत्ता को पाने के बाद बौराना शुरू किया है, तो समझ लेना तुम्हारे चेतना का स्तर बहुत निम्न है। अभी तुम अहम की भूमिका में जी रहे हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व को खोखला करेगा। ऐसे लोग बड़े इतराते हुए चलते हैं। थोड़ा सा धन पाले, वैभव पाले तो सोचेंगे मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। थोड़ा सा पद पाले तो सोचेंगे मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। कई ऐसे लोग होते जो वार्ड कमिश्नर क्या नाम बन जाए और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानना शुरू कर देता है। थोड़ी सी उपलब्धि में व्यक्ति के अंदर की जो अकड़ होती है वो उसके जीवन को उखाड़ फेंकती है। अगर महत्ता को पाने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार आ रहा है, तुम्हारे अंदर तुम उसको पाकर के बौरा रहे हो, तो ये मान करके चलना ये तुम्हारे जीवन का अधोपतन है। ऐसी महत्ता की चाह मनुष्य को नीचे गिरा देती है। लोग ऐसा महत्ता पाने के लिए बहुत कुछ करते। आचार्य जी का एक हाइकू है, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए। तीन लाइनों का हाइकू होता है, जिसमें पहले में पांच अक्षर, दूसरे में सात अक्षर और तीसरे में पांच अक्षर होते हैं। मैंने पिछले चतुर्मास में इन पर प्रवचन किए। लेकिन कितनी गहरी बात है, जिसको मान चाहिए, मुझे महत्व मिले, जूते खाने को तैयार है, चाहे जिसकी आरजू मिन्नत करेगा। ये स्थिति है। जिस व्यक्ति के भीतर महत्ता की प्रबल भूख होती है वह किसी स्तर तक चला जाता है, और महत्ता पा जाने के बाद उसके जीवन का कोई स्तर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर पल क्षुद्रताएं प्रकट होती है, उसका व्यक्तित्व बड़ा उथला माना जाता है। अपने जीवन को ऐसा कभी मत बनाना। महत्ता की चाह करने से महत्ता नहीं मिलती, और कदाचित महत्ता मिल भी गई और महत्ता तुमने पा लिया, तुम्हें महत्व मिल रहा है और उसमें भी तुम अभिमानी बन रहे हो, तो तुम अपने महत्व का दुरुपयोग कर रहे हो। महत्ता पाने का सबसे सकारात्मक रूप क्या है? तुम जितने ऊंचे बनो उतने विनम्र बनो। जितने ऊंचे उठे उतना विनम्र बनो। अगर तुमने महत्ता पाई है, अच्छी बात, ये तुम्हारी उपलब्धि है, पर उसके साथ ध्यान रखो, महत्ता पाया तो तुम्हारी महत्ता की सार्थकता तभी है जब तुम औरों को महत्व दोगे।
औरों को महत्व दोगे, सामने वाले को महत्व दोगे, तुम अपने आप को ही सब कुछ मान बैठोगे तो तुम कुछ नहीं रह पाओगे। क्या करते हैं हम, अपने मन को टटोले, मैं अपने आगे औरों को कुछ गिनता हूं या अपने आप को ही सब कुछ समझता हूं। अगर मेरी दृष्टि में और है और उनका महत्व है तो समझना मेरे भीतर अभी विनम्रता शेष है, और मेरे सामने से सब हट गया केवल मैं हूं तो यही तो मैं अहंकार की अभिव्यक्ति है। बस मैं ही सब कुछ, मेरे आगे लगता क्या है। कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति क्षुद्र प्रवृत्ति के होते हैं वो औरों को कभी महत्व नहीं देते, और जो व्यक्ति गंभीर और विनम्र होते हैं वो किसी का महत्व कभी कम नहीं आंकते, हर किसी को महत्व देते। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, सच्चे अर्थों में बड़ा आदमी वही है जो छोटे का भी मान रखना जानता है। हम जब कभी विनम्रता की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि बड़ों का बहुमान करो, पर मैं कहता हूं ये विनम्रता की अधूरी परिभाषा है। विनम्रता का अर्थ केवल बड़ों का बहुमान करना नहीं, छोटों का मान रखना भी विनम्रता की पहचान है। तुमने बड़ों का बहुमान किया, अच्छी बात है, छोटों का मान तुम रख पा रहे हो कि नहीं। यदि नहीं रख पा रहे हो तो तुम्हारा स्थान भी अभी अभिमानियों के बीच है। एक विनम्र आदमी सबको साथ लेकर चलता है। तो मैं महत्ता चाहूं, महत्ता पाऊं, पा लिया, महत्ता देना सीखे, औरों को महत्व देना सीखे। कोई भी व्यक्ति उसे कभी कमतर ना आके, भले तुम्हारे घर का वो सेवक क्यों ना हो, कुछ उसमें भी अच्छाइयां, उसके भी गुण हैं, और उस गुण के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता, इसलिए उसे कभी नाचीज मत समझना, उसको भी उतना ही मान देना। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जीवन व्यवहार बड़ा प्रेरणादायक, अपने घर के नौकर चाकर से भी बड़े सम्मान भरक लहजे में बात करते हैं, अपने घर के नौकर को भी सेवक जी बुला करके कहते हैं। ये क्यों? हमारी भाषा में, बोली में, व्यवहार में विनम्रता झलकनी चाहिए, और ऐसी विनम्रता जब झलकती है तब हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। लेकिन जिनका व्यक्तित्व उथला होता है वो तो अकड़ते चलते हैं। ये अकल अच्छी बात नहीं है। आज की तारीख में तय करो कि मैं चाहे कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाऊं, मुझे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। अगर मुझे कुछ कहीं कुछ उपलब्धियां मिली है, मैंने कुछ उपलब्धियां अर्जित की है, तो मैं उनका उपयोग करूं, उपभोग करूं, पर अभिमान न करूं। मैं औरों को महत्व देना सीखूं, अपने को ही सब कुछ मान बैठूंगा तो कल मेरे सामने बड़ी विषम स्थितियां भी आ सकती है। एक व्यक्ति धनी था, बड़ा धनी था, संपत्ति थी, पर उसके मन में अपने संपत्ति और धनी होने का बड़ा अभिमान था। उसका एक भ्रमपूर्ण विश्वास था कि सब काम पैसों से हो सकता है, और कोई भी बात आए तो बात बात में वह केवल पैसों का रुआब झाड़ता। ठीक है, पैसों से बहुत सारे काम हो जाते हैं,
पर पैसा ही सब जगह काम नहीं आता, ये जीवन की सच्चाई है। संयोग ऐसा बना, उसका व्यवहार सबके प्रति रूखा, उसने कभी किसी को महत्व नहीं दिया। यदि उसके दरवाजे पर कोई कभी गया भी तो उसने बड़े बेअदबी से बात किया, उसने कभी किसी को कुछ समझाई नहीं। और संयोग ऐसा हुआ कि उसकी धर्म पत्नी जब गुजरी तो उसके रूखे व्यवहार के कारण उसकी ठटरी बांधने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। बोला, ऐसे आदमी से हम क्या मिले जिसने आज तक किसी से कोई व्यवहार ही नहीं बनाया, जिसने आज तक किसी को कोई महत्व ही नहीं दिया। तब उसे समझ में आया कि औरों का महत्व कितना होता है। अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, उसको सब में समाविष्ट होकर जीना चाहिए। और सब में समाविष्ट वही हो सकता है जो सबके महत्व को समझता है। तो महत्व देना सीखिए। छोटा सा छोटा एक बच्चा भी है तो उसे आप कम मत आकिए, उसको भी महत्व दीजिए, इग्नोर मत कीजिए। और इग्नोर ही नहीं, लोग तो उनका अपमान कर देते हैं। मान देना न देना और बात है, पर कम से कम अपमान तो न करो, तब कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। तो महत्ता चाहना, महत्ता पाना और महत्ता देना, पर इन सब से ऊंची बात है महान बनना। अपने आप को महान बनाएं। बाहर की उपलब्धियां महत्व मनुष्य को महत्ता दिलाती है, और अंदर का गुणात्मक परिवर्तन मनुष्य को महान बनाता है। अपने अंदर का परिवर्तन, अपनी सोच को बदलो, अपनी विचारधारा को बदलो, अपनी जीवन शैली को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी जीवन शैली में बदलाव आएगा तो अपने आप महत्ता को प्राप्त कर लोगे, महान बन जाओगे। चाहने से कुछ नहीं होता। एक मंदिर में भगवान की मूर्ति विराजमान थी और पास में ही खंभा था। लोग आते, मूर्ति की पूजा अर्चा करते और मूर्ति की शीश नवाते तो खंभे को बड़ी तकलीफ होती। बोला, एक लोगों का कैसा पक्षपात है कि सब लोग इस मूर्ति को तो पूजते हैं, मुझे पूजना तो दूर, जो आता है और उल्टा टिक के बैठ जाता है। आखिर बात क्या है, लोगों का कैसा पक्षपात है। खंभा बड़ा परेशान होता था, खंभा यही चाहता था कि मुझे भी मूर्ति की तरह पूजा जाए, मुझे भी मूर्ति की भांति पूजा जाए। अब क्या है, चाहने से तो कुछ नहीं होता। खंभा परेशान, लोग आए खंभे की तरफ देखे भी नहीं, भगवान के दर्शन करे और चले जाए। एक दिन दोपहर के समय जब मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं थी तो खंभा ने अपने अंदर की पीड़ा मूर्ति के सामने प्रकट कर दिया। कहा कि बहन देखो, लोगों का एक ऐसा पक्षपात है, देख तो, तेरी मेरी जाति एक वंश एक कुल एक, हम दोनों एक साथ जन्मे, फिर भी जो आता है तुझे शीश नवाता है, तेरी पूजा वंदना करता है, तेरी आरती उतारता है, और मुझे पूजना तो दूर, उल्टा जो आता है मुझसे टिककर और बैठ जाता है। है ना लोगों का पक्षपात। खंभे की व्यथा को सुनकर प्रतिमा मुस्कुराई और कहा, भैया तुम्हारे इस उपेक्षा से तो मुझे भी तकलीफ है, लेकिन इसमें किसी का पक्षपात नहीं, जवाबदार तुम हो, कसूर तुम्हारा है। खंभा तिलमिला गया, इसमें मेरा क्या कसूर। तो प्रतिमा ने कहा कि उस दिन को याद करो जिस दिन शिल्पी हम दोनों को उठाने के लिए आया था और हम दोनों को अपने परिवार से निर्ममतापूर्वक अलग करके ले गया था। तुम्हें भी ले जाना चाहता, तुम तो वहीं अटक गए,
पर जब मुझे मेरे परिवार से अलग किया, मुझे कुछ पल की तकलीफ हुई, तभी मैंने शिल्पी की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में मेरे प्रति बड़ी करुणा थी। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। शिल्पी मुझे अपने कार्यशाला में ले जाकर जमीन पर पटका और थोड़ी देर बाद मेरी छाती पर बैठकर मेरे ऊपर हथौड़ी और छेनी से अनगिनत प्रहार करना शुरू कर दिया। एक पल को मेरे मुख से तेज चीख निकल पड़ी, पर तभी मैंने शिल्पी की आंखों में देखा, मुझे लगा ये तो मुझ पर प्यार बरसा रहा है। मैंने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। फिर क्या था, शिल्पी मुझ पर प्रहार करता जाता और मेरे ऊपर का जो कुछ भी अवांछित तत्व था वो निकलता गया। मेरे भीतर से एक आकार प्रकट होने लगा और देखते ही मेरे ऊपर का जितना फालतू का पत्थर था वो सब अलग हो गया और मुझे एक मूर्ति का आकार मिल गया। क्या बताऊँ, जिस क्षण मेरे भीतर का ये आकार प्रकट हुआ, सबसे पहले उस शिल्पी ने ही मुझे प्रणाम किया। तुम्हें पता है मैं यहाँ तक आई हूँ तो कितने छेनी और हथौड़ियों के प्रहार को सहा है। काश तुम भी ऐसा कर लिए होते तो तुम्हें भी यहाँ स्थान मिल गया होता। बात केवल समझने की है। अगर पूजा चाहते हो, तो प्रहार झेलने के लिए तैयार रहो। अपने अच्छाइयों को उद्घाटित करो, बुराइयों को दूर करो, खुद को तराशने की कोशिश करो। किसी की पंक्तियां हैं, बड़ी सार्थक है। बुतों साबास जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। बुतों, बुत यानी मूर्ति, बुतों साबास जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। न तराशा था तो पत्थर थे, तराशा तो खुदा निकले। अपने आप को तराशो, अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे अपने इस जीवन में अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करना है। मैं अपनी बुराइयों को खत्म करूंगा, अच्छाइयों का विकास करूंगा, महानता तो अपने आप आएगी। आजकल ऐसा तो कुछ चाहते नहीं, करना कुछ नहीं चाहते, पाना सब चाहते हैं। क्रेडिट पूरी मुझे मिले, करना मुझे कुछ ना पड़े, कैसे संभव है? जो करेगा यथार्थ में वही पाने का भी हकदार है। इसलिए अपने गुणों का विकास करिए, जीवन में बदलाव लाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो महत्वाकांक्षा की बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ। तो महत्व औरों से महत्व मिले, ऐसी महत्वाकांक्षा मन में मत लाइए। मेरे हृदय में महान बनने की प्रेरणा मिले, मैं कुछ अच्छा करने का सपना देखूं, अच्छा करने का संकल्प जगाऊं, अच्छा करने की इच्छा जगाऊं, ये महत्वाकांक्षा तुम्हारे जीवन में निखार लाएगी। पर सब कुछ मुझे ही हो तो ये जीवन को नरक बना देगी। आज घर परिवार में यही हो रहा है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण पूरे परिवार को लोग नरक बना रहे हैं। परिवार हो, समाज हो, दुनिया में कोई क्षेत्र हो, जीवन व्यवहार का कोई क्षेत्र हो, जहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है, वहाँ मनुष्य की सुख शांति की बलि चढ़ जाती है और फिर कहीं कहीं तो अति महत्वाकांक्षा और भयानक हो जाती है। इससे बचे, अति महत्वाकांक्षा से बचे, कुंठित महत्वाकांक्षा से बचे, सकारात्मक महत्वाकांक्षा रखे, कुछ आगे बढ़ने की बात करे, तब जीवन में कुछ हो सकता है। कई कई लोगों की स्थिति बड़ी आशास्पद होती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक कहानी आई थी अखबार में, नाम वो कुंठित महत्वाकांक्षा पर कहानी थी, शायद फणीश्वरनाथ रेणु की थी। अखबार में नाम, बड़ी रोचक कहानी, आज मैं सुना रहा हूँ और वो कहानी मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी।
स्कूल था और स्कूल में एक बच्चा ड्रिल के पीरियड में मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता है तो पूरे स्कूल में सनसनी फैल जाती, पूरे स्कूल में उस बच्चे का नाम आ जाता है। उसी स्कूल में गुरुदास नाम का लड़का पढ़ता था, उसके मन में विचार आया कि मेरा नाम भी पूरे स्कूल में हो। अब मेरा नाम पूरे स्कूल में हो तो क्या हो। वो लड़का इतना होशियार था कि गणित में कभी आंसर सही नहीं आता और इतिहास में कभी ईस्वी याद नहीं रखती, विज्ञान और अंग्रेजी तो जानता ही नहीं था। खींच तान करके पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ा और एक चपरासी बन गया। चपरासी बना, पर उसके मन में उसकी इच्छा बढ़ी, अपने नाम की इच्छा कि मेरा नाम आगे बढ़े, और स्कूल में नाम की जो इच्छा थी वो बढ़ते बढ़ते अखबार में नाम लाने की आ गई। मेरा नाम अखबार में छपे, मेरा नाम अखबार में छपे। तो अखबार में हर किसी का नाम तो छपता नहीं, कुछ काम करो। वो उसमें कोई हुनर था नहीं, नाम कैसे छपे, लेकिन रोज़ वो अखबार पढ़ता, तरकीब सोचता, किसी भी तरह मेरा नाम अखबार में छपे, किसी भी तरह मेरा नाम अखबार में छपे। कभी कभी उसके मन में आता कि मैं कोई अपराध कर लूँ, उसी बहाने मेरा नाम छप जाए, अपराध कर लूँ उसी बहाने मेरा नाम छप जाए। पर अपराध करने के लिए भी तो साहस चाहिए, साहस नहीं था, वो नहीं कर पाता। एक दिन इसी उधेड़बुन में चला जा रहा था और एक कार की चपेट में आ गया, उसके पैर में चोट लगी, हड्डी टूट गई। कार एक वकील साहब की थी, वकील साहब बड़े भले आदमी थे, वे कार से नीचे उतरे और उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटलाइज करा दिए। दूसरे दिन वो उसको उससे मिलने के लिए गए, मिलने के लिए गए तो उनके हाथ में अखबार था। वकील साहब के हाथ के अखबार को गुरुदास बड़ी ललचाई दृष्टि से देख रहा। कुशल क्षेम पूछकर जब वकील साहब जाने लगे तो गुरुदास ने पूछा, आपके हाथ में क्या? बोला, अखबार। बोला, आज का ही? बोले, हाँ आज का ही अखबार है। फिर तो इसमें मेरा नाम आया होगा, कल की घटना? नहीं नहीं, मैंने उसे चित नहीं समझा। वो एकदम निराश हो गया। बोले, घबराए नहीं। वकील साहब ने उसके मनोभाव को ताल लिया। बोले, कल के अखबार में छप जाएगा। दूसरे दिन वकील साहब अखबार लेकर पहुँचे, अखबार में सुर्खियों में छपा था, अखबार में नाम लाने के लिए स्वयं को कार के नीचे धकेला। वो अखबार से ही अपना मुंह ढक कर रह गया। तो ये जो चीज़ें हैं, अपने नाम के लिए किसी भी स्तर पर जाने की बात। तो जब हम लोगों का प्री बोर्ड टेस्ट हुआ था तो ये प्रश्न आया था कि गुरुदास की महत्वाकांक्षा की समीक्षा कीजिए, क्या आपके अंदर भी कोई महत्वाकांक्षा है? तो मैंने उस समय गुरुदास की महत्वाकांक्षा को कुंठित महत्वाकांक्षा निरूपित किया था और इससे बचना चाहिए। और महत्वाकांक्षा की सकारात्मक रूप की व्याख्या करते हुए कहा था कि जीवन में कुछ अतिरिक्त करने और अच्छा बनने की आकांक्षा ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, और वो बीज आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कुछ अतिरिक्त करो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बनने की बात सोचो, ये महत्वाकांक्षा अच्छी है। पर मैं अच्छा कहलाऊं, ये महत्वाकांक्षा नहीं। मैं ही अच्छा कहलाऊं, ये महत्वाकांक्षा नहीं। मैं सबसे अच्छा बनूं, ये महत्वाकांक्षा नहीं। मैं सबसे अच्छा करूं, ये असली महत्वाकांक्षा है। ऐसी सोच अगर अंतर मन में जग जाए, जीवन की काया पलट हो जाए, तो आज महत्वाकांक्षा के संदर्भ में महत्ता पाना, महत्ता चाहना, महत्ता पाना, महत्व देना और महान बनना, इन चारों में ध्यान रखो। बात की दो बातों को अपना लो, बाकी बातें तो अपने आप हो जाएगी। चाहने से कुछ नहीं मिलता और जीने से सब कुछ पा जाते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।